एक में हम लोग शोल्डर डाउन करते हैं, कभी कभी कहते हैं जिसका फिगर अच्छा है यानी कि शोल्डर भी अच्छा है तो उन लोगों के लिए हम बाहर की तरफ शेप दे देते हैं, और नॉर्मली हम शेप नहीं देते। और हमारा जो चैनल में मैंने जो आप लोगों को फार्मूला बताया उसमें नेक की तरफ थोड़ा सा शेप, तो उसमें क्या होता है फिटिंग्स अच्छा होता है, ये अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। और चलिए इसमें हाई नेक करने के लिए आपको ये देखिए, जैसे कि 26 में हाफ और स्लैश देके मैंने 0.75 रखा है, तो मेरे ख्याल से आप 0.75 रखिए। और आप हाफ इंच भी दे सकते हो, मगर उसमें वेरिएशन क्या क्या होता है, तो रेडीमेड के लिए तो इतना वेरिएशन नहीं रहता है, ठीक है। और एक बात मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, ये जैसे कि रेडीमेड में भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, और जैसे कि ऑर्डरी में अगर किसी को मेज़रमेंट ना पता हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो, आपको 90% आपको ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। और किसी के पास अगर मेज़रमेंट हो आप क्यों ये फार्मूला लेंगे, यानी कि हम जब ऑर्डर ही करें फ्रेंड तो इसी तरह देखिए हमारा 34 साइज में हमारा नेक होता है फ्रेंड 14। आप मानिए किसी के ऑर्डर या ब्लाउज बना रहे हो तो आप देख रहे हो 13.5 है, तब वो ही लीजिएगा और उसी के साथ आप 1/3 आप नेक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसी तरह करेंगे। और ये फ्रेंड बिजनेस करने के लिए जो आप लोगों के पास पैटर्न होना तो एक ज़रूरी है, यानी कि हम लोगों के पास सभी तरह तरह का पैटर्न है, तो उन लोगों के लिए ये है। और हाई नेक उन लोगों को बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसलिए मैं दे रहा हूँ। और तो चलिए ये शोल्डर डाउन तो बारे में हम पता चल गया है, और अलग 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 जगह में अलग अलग है। और आप 1 इंच मानिए, ये किसका देखिए 32 का, ठीक है, तो इसी तरह मैंने लेवल करके है रखा है। उसमें देखिए नेक वेथ कितना है, तो नेक वेथ का मतलब है फ्रेंड जैसे कि ये ए और डी, यानी कि ये जो गैपिंग है ये भी फ्रेंड आप चेंज कर सकते हो, मैंने जो दिया है आप वही करो ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा चेंज आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और ये थोड़ा सा बड़ा छोटा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिटिंग्स में, ये अपने हिसाब से ले सकते हो, मगर फिर भी मैंने फार्मूला दिया है इस जगह में, एक एक करके आप इसी तरह किस लाइन पे है और कौन सा साइज़ आप इसी तरह, जैसे कि 28 में नेक वेथ है फ्रेंड 2 इंच, और उसके बाद देखिए 2.25 है, ये देखिए 30 साइज में, ठीक है, तो इसी तरह आप करिए। उसके बाद नेक जो डाउन होता है फ्रेंड, आप जानते हैं सभी ने जो बैक में हम कॉलर लगाते हैं तो हाफ इंच सभी में रहता है, ठीक है, वो क्या है वो सीम्स के लिए होता है, जैसे कि शोल्डर जब ऊपर में लग जाता है तो उसके बाद वो इक्वल हो जाता है, तो उसी तरह हमेशा हाफ इंच हम ले लेते हैं शोल्डर डाउन के लिए, ठीक है। और ये अकॉर्डिंग टू सीम्स, यानी कि आप लोग अगर चाहे इसे सीम्स के मार्जिन के हिसाब से लेंगे तो आप उसी हिसाब से भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये देखिए कंपलसरी मैंने डॉट डॉट देकर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये देखिए ऑल साइज मैंने इसमें मार्क किया है। और इसमें है फ्रेंड नेक, यानी कि हम जो बॉडी से जो मेज़रमेंट लेते हैं उसके हिसाब से मैंने एक कैलकुलेशन इसमें दे दिया, ये आप लोगों को लगेगा इसमें नहीं लगेगा क्योंकि मैंने इसमें जो हमारा नेक वेथ तो दे दिया है तो इसलिए इसका नेसेसरी नहीं है, तो फिर भी हाई नेक में कितना नेक आता है ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और मैंने एक ही मेज़रमेंट दिया है और इसमें वेरिएशन होता है, जैसे कि मैंने बोला 30 का 13 होता है, तो रेडीमेड में क्या होता है 13 जैसे कि हमने लिया है तो अगर थोड़ा सा छोटा हो तो चलेगा, थोड़ा सा बड़ा हो तो भी वो पहन सकते हैं अगर 30 साइज हो, तो इसी हिसाब से मैंने 2.5 लिया है कैलकुलेशन करके, थोड़ा सा बड़ा करके इस जगह में हमने ले लिया है, तो ये चेंजिंग होता है, मैंने इसमें कोई वेरिएशन नहीं डाला है, इसमें भी चेंजिंग होता है, ठीक है फ्रेंड। और ये देखिए मैंने जो एरो करके फ्रेंड ये देखिए यहाँ से एक एरो उठा है और यह जा रहा है, ये देखिए मैंने इसमें दिया है नॉर्मल वोमेन नेक मेज़रमेंट, यानी कि जैसे मैंने बॉडी से मेज़रमेंट किया उस हिसाब से इसने अब लिख दिया है, जगह मैं आपको मेंशन कर दिया है, चलो आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगा। और ये जो हमारा जो शोल्डर है फ्रेंड, जैसे कि मैंने बोला ऊपर में आफ्टर स्टिचिंग, ऑल आफ्टर स्टिचिंग, बट टू कैटेगोरीज ये देखिए पैटर्न मेज़रमेंट, ठीक है, पैटर्न मेज़रमेंट, ये देखिए ये एरो एक इधर से आया है ये है, और ये देखिए आया है, और दूसरी एरो है फ्रेंड यहाँ से आकर ये देखिए पैटर्न मेज़रमेंट, वो क्या क्या है ये देखिए, वो है शोल्डर डाउन है और नेक वेथ है, ठीक है। और
और देखिए और एक बात इसमें हाईनेक के लिए लगता है, जैसे कि फ्रंट डेप और अकॉर्डिंग टू योर चॉइस मैंने ये बता दिया। जैसे कि होता है क्या हाईनेक में फ्रंट, मैं आप लोगों को बता दूँ, हाईनेक अगर आप लोग स्टाइलिस्ट की तरह आप लोग यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो हम क्या करें फ्रेंड, हम हमारा जो फ्रंट डेप्थ होता है वो डिप नेक की तरह ही छोटा करके हम दे देते हैं, ठीक है। और अगर हमने थोड़े जैसे कि विंटर के लिए हम लोग जो हाईनेक बनाते हैं उसके नेक थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा कम होता है और स्टाइलिस्ट के लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो आप समझ चुके हैं जो हाईनेक में चेंजिंग होता है और इसका भी वेरिएशन होता है, तो इसलिए मैंने नेक क्या दिया है फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस दिया है। तो हाईनेक फार्मूला में और कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों को, और पैटर्न बनाने के लिए आप लोगों को पास जो हमारा पहले वाला जो ब्लाउज सीक्रेट यानी कि 22 से 44 मैंने दिया है वो आप पास रखिए और इसे रखिए, ठीक है। आप जैसे कि आप लोग जानते हैं पहले हमें शोल्डर लेना है, फुल लेंथ लेना है, तो फुल लेंथ फ्रेंड जैसे कि मैंने नहीं दिया इसमें, फुल लेंथ भी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जैसे कि आप विंटर के लिए आप लोग अगर बनाइए तो थोड़ा सा लंबा ही होता है, और स्टाइलिस्ट के लिए है जैसे कि हमारा डीप नेक होता है उसी तरह होता है ये, ठीक है। बस यही चेंजिंग है और कुछ भी नहीं है, और इस वीडियो में बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा है फ्रेंड। और जाने से पहले मैं बता दूँ आप लोग, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है फ्रेंड, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं हमारा चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। और आज के लिए इतना सही था, बाय बाय, टेक का शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।